गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 8 शेप्स एंड बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो अपना चैप्टर रनिंग में था, उस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, ओके। एंड जो अपनी एक्सरसाइज 8.1 जो थी वो मैंने आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करने के लिए कहा था, ओके। सो आई होप आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू टुडे, आज क्या करेंगे? इन दिस क्लास वी विल डू आवर फर्दर टॉपिक्स, ओके। अपने जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम लोग करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन एंड क्लोज फिगर। ओपन एंड क्लोज फिगर, बेटा ओपन फिगर और क्लोज फिगर कौन से होते हैं? वो फिगर जो ओपन होते हैं, ओपन फिगर्स होते हैं, मतलब उनके जो एंडिंग पॉइंट हैं वो नहीं मिलते हैं, ओके। एंड क्लोज फिगर में क्या होता है, फिगर जो है वो कंप्लीटली क्लोज होता है, ओके। मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है वो दोनों मिलते हैं, वो क्या होते हैं? क्लोज फिगर। सो फर्स्ट आता है कौन सा फिगर? ओपन फिगर। फर्स्ट कौन सा होता है? ओपन फिगर। ओपन फिगर कौन सा है? वो फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो दोनों नहीं मिलते हैं, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड एंडिंग पॉइंट जहां वो खत्म हो रहा है, दोनों पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं? ओपन फिगर्स होते हैं, ओके। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, ये लो, क्या दोनों ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, ओके। जैसे आप ये बना लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करके ये एंडिंग पॉइंट, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? सेम प्लेस पर मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे, ओके। सो ये क्या है? ओपन फिगर में हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट सेकंड आता है क्लोज फिगर। सेकंड कौन सा आता है? क्लोज फिगर। क्लोज फिगर कौन से होते हैं? वो फिगर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आकर एक ही प्लेस पर मिलते हैं, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिन फिगर्स में एक ही प्लेस पर आकर मिलते हैं वो फिगर्स कौन से होते हैं? क्लोज फिगर्स होते हैं, ओके। जैसे कोई भी आप सर्कल बनाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिलता है। आप रेक्टेंगल बनाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट यहां मिलता है। ट्रायंगल बनाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मिलता है, ओके। मतलब क्या होता है बेटा कि वो फिगर्स, वो डायग्राम, ओके, वो फिगर या शेप्स जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक प्लेस पर आकर मिलते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर, ओके। और वो डायग्राम्स या वो फिगर जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक प्लेस पर आकर नहीं रुकता है, ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो मैच मिक्स नहीं होते हैं, ओके, एक जगह मैच नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ओपन फिगर होता है, ओके। क्या होता है? ओपन फिगर होता है, ओके। सो ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर हम लोगों ने स्टडी किए। सेकंड आता है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ओके। ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, ओके। सो स्टडी करते हैं हम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ओके। फर्स्ट आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बेटा? ये इट्स अ पॉइंट। पॉइंट मतलब कोई भी डॉट जो होता है वो क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। जैसे आपको एक लाइन शो करने के लिए यहां एक पॉइंट करना है, यहां एक पॉइंट करना है, पॉइंट ए पॉइंट बी, आपको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को मिलाना है, मिला दिया, ये क्या है? ए क्या है? पॉइंट। बी क्या है? पॉइंट या डॉट, जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ओके, और ना ही कोई ब्रेथ होती है। वो पॉइंट जिसकी ना कोई लेंथ होती है, पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट, पॉइंट जो है डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है, ओके, वो ओनली उसी पोजीशन पर होता है जहां पर उसे
रखा जाता है. ओके, ना ही लेंथ, ना ही ब्रेथ, ना ही हाइट. लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ ही नहीं होता. ओके, जैसे कि पॉइंट को आप इस साइड में देख सकते हो, यहां पर आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, पी पॉइंट आपको यहां बताए हुए हैं. ये क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं. ओके, टर्न आउट योर पेज. नेक्स्ट इज लाइन. लाइन क्या होते हैं? इधर मतलब दोनों साइड में निकल रही होती है, मतलब ठीक है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, वो लाइन जिसका कोई लाइन क्या होती है? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, इट कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस. दोनों साइड में से एक्सटेंड मतलब बढ़ाया जा सकता है. इस साइड में भी बढ़ाया जा सकता है, इस साइड में भी बढ़ाया जा सकता है. इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी. ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट हैज नो डेफिनेट लेंथ. ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी डी इज वर्टिकल लाइन एंड पी क्यू इज अ स्लंट लाइन. ओके, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन. ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन. सी डी क्या है? वर्टिकल लाइन. और पी क्यू क्या है? स्लंट लाइन्स. ओके, ये है हमारी लाइन्स. फिर आता है लाइन सेगमेंट. तो लाइन को किसी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब इसकी फिक्स लेंथ होती है एंड फिक्स ब्रेथ होती है. ओके, लाइन सेगमेंट की क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है इसकी. ठीक है, जैसे कि आपके पास यहां बताया हुआ है पी एंड क्यू, इसकी आपको फिक्स लेंथ है इसकी. ओके, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है. ओके, जबकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ नहीं एक्सटेंड किया जा सकता, जबकि लाइन को दोनों साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्लास. यू हैव टू रिवाइज क्लोज्ड फिगर, ओपन फिगर, क्लोज्ड फिगर, पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट एज होमवर्क. ओके, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू कांट सॉल्व, यू कैन आस्क टू मी. ओके, बाय.